भोपाल में प्रशासन और नियमों को ताक पर रखते हुए कोलार चूना भट्टी स्थित केटू क्लब में नाइट पार्टी की गई, जिसमें नाइट कर्फ्यू के बावजूद पूरी रात रईस जादे शराब पीकर मुंबई से बुलाई गई बार डांसरों के साथ नाचते नजर आए। यह पहली बार नहीं है जब केटू के बार संचालक विवेक शिवहरे ने प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। इससे पहले भी प्रशासन के नियमों का मखौल उड़ाते हुए 80 से अधिक मामलों के अपराधी जुबेर मौलाना की जन्मदिन पार्टी मनाई गई थी, जिसमें कई लड़कियां और अवैध रूप से शराब पकड़ी गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसके लाइसेंस को पुनः संचालित कर व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई थी। फिलहाल भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस पर कार्रवाई करते हुए बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भोपाल में बार संचालकों को प्रशासन और कोरोना के नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बार संचालक अपनी मनमर्जी के मुताबिक नियमों को ठेंगा दिखाते हुए क्लब में पार्टियां कर रहे हैं। ताजा मामला भोपाल के चूना भट्टी इलाके का है, जहां K2 क्लब एंड लॉन्च के संचालक विवेक शिवहरे के बार में रात 1 बजे के बाद भी क्रिसमस पार्टी चलती रही। पार्टी में हद तो तब हो गई जब रईस जादो के मनोरंजन के लिए मुंबई से बार डांसरों को बुलवाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने देर रात कार्रवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां तो मिले ही और बिना बैच नंबर की अवैध शराब भी बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान क्लब में वैली डांसर डांस करते मिली, जिसके बाद कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मामले को संज्ञान में लिया और आबकारी नियमों के विरुद्ध व्यवसाय का संचालन करने के कारण K2 बार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। पूर्व में भी प्रशासन द्वारा इस बार के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, परंतु राजनीतिक दबाव के चलते इसके लाइसेंस को पुनः संचालित कर व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब इस क्लब पर कार्रवाई की गई है। K2 बार पर प्रशासन द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई की थी, जब बार में आधी रात के बाद भी शहर के कुख्यात अपराधी जुबेर मौलाना द्वारा लड़कियों को नचाया गया था, मगर उस घटना के बाद भी बार का लाइसेंस पुनः नियमित कर उसे व्यवसाय का अवसर दिया गया। इस बार K2 बार के संचालक विवेक शिवहरे ने अपनी हदें पार करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास भी किया है, जिसके तहत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके विरुद्ध धारा 353 342 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रसूखदारों और राजनीतिक पकड़ रखने वालों को इस तरह प्रशासन के नियमों का मखौल उड़ाने की आजादी है, और सवाल ये भी है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए बने हैं। बहरहाल इन सब बातों ने एक बात तो तय कर दी है कि अगर आपके पास पैसा और राजनीतिक पकड़ है तो आपको नियमों की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस है। और इन्हीं सब बातों का फायदा उठाते हुए ये विवेक शिवहरे बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।